जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नलखेड़ा तहसील के समीप ग्राम पीलवास की, जहां पर कांग्रेस शासनकाल में गरीब लाचार दलितों को पट्टे दिए गए थे, लेकिन भाजपा शासनकाल में वही पट्टों को निरस्त कर दिया जा रहा है। भाजपा यूं तो कहती है कि सभी वर्ग के लोग हिंदू हैं, लेकिन जहां पर अपनी बात आती है वहां पर कोई दलित हो जाता है, कोई स्वर्ण हो जाता है। ऐसा ही मामला पीलवास का है, जहां पर दबंगों ने अपनी दबंगई से दलितों के पट्टों को निरस्त करवाने के साथ साथ उस जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। और अगर दलित उस जमीन पर जाता है तो उससे कहा जाता है कि यहां अगर आए तो तुझे जेसीबी से गड्ढे खुदवा कर गड़वा दूंगा। यह बात वहां के एक शिक्षित ग्रेजुएट वकील साहब लाखन सिंह पिता बालू सिंह जाति राजपूत, बालू सिंह पिता इंद्र सिंह जाति राजपूत ने कही है। उन्होंने कहा कि मैं हर मामले में सक्षम हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम्हारी औकात भी नहीं है, तुम हमेशा नीच और नीच ही रहोगे। मेरे पास दादा पहलवान है, पैसा मेरे पिता के पास बहुत है, राजनीति में मेरा पावर है। कोर्ट में अगर जाओगे तो मैं स्वयं वकील हूँ, अधिकारियों से मेरा रोज उठना बैठना होता है, मैं हर मामले में सक्षम हूँ, तुम अपनी औकात मत भूलो। यह कहना है वकील साहब का। क्या कभी दलितों के साथ अत्याचार कम नहीं होगा, या भाजपा शासनकाल में यह ऐसे ही मजबूर होते रहेंगे? अभी मैंने तुम्हारी जमीन में चंदन का बीट वह अन्य पेड़ काटे, तुम्हारे शासन ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। यह क्या कहना है वकील साहब का। जब हमारी बात अनुसूचित जाति के कांग्रेसी अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे वह कितना ही बड़ा पहलवान या सक्षम व्यक्ति हो। जो हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के अनुसार जाति जिलाध्यक्ष से बात हुई हो तो उन्होंने कहा एक ही, मैं अपने वर्ग के लिए कुछ भी करूंगा, जिलाध्यक्ष या ऊपर भी बात करनी पड़े तो मैं कर लूंगा और उनको न्याय दिला लूंगा। भवानी शंकर जी बोल रहे हैं जी? टुडे न्यूज से बोल रहा था, लाड़ सिंह चौहान जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये पीलवास में दलित व्यक्तियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके पट्टे निरस्त करवा दिए गए हैं, उनको वहाँ से भगा दिया गया है। आप अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अभी आपका शासन है और आपके शासन में एक दलित परेशान हो रहा है, क्या कारण है? देखो, मेरे संज्ञान में यह मामला कभी आया नहीं है, आप बता रहे हो तो मुझे जानकारी लगी है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई परेशान हो रहा है तो हम उनकी मदद करेंगे, प्रशासन से उनकी मदद कराएंगे। वहाँ पे दबंगों के द्वारा उनके पट्टे भी उन अधिकारियों से साठगांठ करवा के निरस्त करवा दिए हैं, जबकि पूरे गाँव में काफी पट्टे मिले हैं और एक भी दलित परिवार का आज तक उन पट्टों की जमीन पे कब्जा नहीं है। कौन से गाँव है? पीलवास में। पीलवास में आपसे, आपके सुसने से ज्यादा ज्यादा 20 किलोमीटर दूर? नहीं नहीं, बिल्कुल है, सोचने से पीलवास देखा भी मैंने जी। मेरे संज्ञान में मामला आया नहीं है साहब, मेरे संज्ञान में अगर मामला आएगा तो मैं जो है पार्टी स्तर में भी कहीं बात करना पड़ेगी, तो गरीबों की मदद के लिए हम बात करेंगे उनके लिए। क्योंकि मैंने इसीलिए फोन लगाया है क्योंकि आप अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष हैं, तो भाई आपका फर्ज बनता है कि अपने लोगों के प्रति कोई अगर परेशान हो रहा है तो अपन उनको न्याय दिलवाएं। नहीं नहीं, बिल्कुल न्याय दिलाएंगे इनको, मेरे संज्ञान में मामला आया नहीं है, अभी आपने बताया तो मुझे पता लगी है, मैं पता करता हूँ क्या मामला है, और अगर जो बैठ के हल होने का मामला होगा तो हम सफलता के साथ बैठ के मामले को हल करेंगे जी। और शासन से भी इनका कोई मदद मिलेगी तो हम उसकी सहयोग कराएंगे, प्रशासन से भी बोलेंगे, हमारे नेताओं से बोलेंगे, पार्टी के जिलाध्यक्ष से बोलेंगे। इन लोगों के साथ न्याय होगा कि कब तक होगा, नहीं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं देखो, अभी आपने जब बताया तो संज्ञान में पूरा मामला है ही नहीं, अब आपने बताया तो मैं उस पर पीलवास में किसी लोगों से बातचीत करता हूँ क्या है मामला, उसके बाद वहाँ से भी मेरे पास कोई किसी का फोन वगैरह या कोई सूचना मेरे पास नहीं आई है जी। आपके माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई है, अब मैं पता करता हूँ, जहाँ भी होगी इनकी मदद करेंगे अपन। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। आज हम नलखेड़ा तहसील में नलखेड़ा में बैठे हैं, जहाँ पे दबंगों के द्वारा एक गरीब दलित परिवार को परेशान कर दिया गया है। वो इंसान, वो परिवार आज अपना गांव छोड़ के, घर बार छोड़ के नलखेड़ा में रहने को मजबूर है। आज उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि उनका पैर भी फ्रैक्चर हो चुका है, टूट गया है, वो काफ़ी परेशान हैं, लेकिन शासन के द्वारा या शासन के भेदभाव के कारण वो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन का इनके तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज हम उन्हीं से बात करते हैं कि उनको क्या क्या परेशानियां हैं और वो व्यक्ति यहाँ पे क्यों आया हुआ है। बा साहब, तो क्या नाम है आपका? लक्ष्मण मेहता। हाँ, कौन से गांव से रहने वाले हो आप? पीलवास। पीलवास के हो?
यहाँ पे आप नलखेड़ा में कब से रह रहे हो और क्यों रह रहे हो? हम नलखेड़ा में बालू सिंह लाखन सिंह बतिल है, वो हमने मारपीट करे वो मत करो। तो क्यों मारपीट क्यों करता है, क्या कारण है? वो सरकार ने हमारे जमीन दी, उससे वो साफ सफाई करवा जाऊँ। वो जमीन काहे के लिए दी थी? वो जमीन सरकार ने हमारे लिए बाल बच्चे पालवा ने ले दी थी। पट्टे की जमीन थी क्या? वो पट्टे की जमीन थी। कब दी थी आपको, कौन से सन में, कुछ याद है आपको? तो है बने बोलो। हाँ, और वो नरा धन की दी हुई है। मतलब फिर भी कितने साल हो गए होंगे? और ये 18-19 साल। 18-19 साल पहले मतलब कांग्रेस की सरकार थी? कांग्रेस की सरकार ने ही पट्टा दिया था। अच्छा, पट्टे दिए थे? हाँ, राजा साहब ने। राजा साहब ने। तो अभी की क्या कंडीशन है? अभी यह कंडीशन है वीडियो बना दो कि मुँह गए तो साफ सफाई करो। तो बालू सिंह पिता अंदर सिंह, लाखन सिंह पिता बालू सिंह। हाँ, तुम तो वहाँ साफ सफाई कर लीजिए तो मैं जमीन आ गूँ। हाँ, तो ये लोग आया और मेरे को गाली कुत्ता करने लगा, दे गया डांडी खा लिया जमाल डाल। आज के बाद में आग हो तो जैसे से खाना खोले तुझे लाभ देंगे। अच्छा, ये लोग यही बोला उन लोगों ने? हाँ, यही बोला है लोगों ने। तो मैं फिर पक गया मैं। तो वह कम से कम शासन दल मेरे को ही पट्टा नहीं दिया, वहाँ बहुत सारा पट्टा है। अच्छा, आप लेके जांच कर सको कि दिलवार पे कितना पट्टा है। अच्छा, तो वो सभी लोग अपने अपने पट्टे की जमीन पे चले गए? एक के भी नहीं आवा दे गया, दमक लोग है, एक के भी नहीं आवा दे गया। एक को भी नहीं आना दे रहा? नहीं आना दे गया। ये सारे जो पट्टे मिले हैं ये सब दबंग लोगों के कब्जे में है? हाँ, सब उनके कब्जे में है साहब। शासन प्रशासन ने आपकी आप लोगों की मदद नहीं करी? शासन ने आज तक भी मदद नहीं करी। हम हमको फोन भी कर दिया, मेरी भी जाए छोटी कर, हमारे लिए कोई भी सुख नहीं कर रही हो ना। एजिया साहब ने मेरा पट्टा खत्म किया है, पैसे ले लिया उन लोगों से और मेरा पट्टा नष्ट कर दिया है। और ना तो तहसीलदार होने लगे, ना पटवारी होने लगे और ना कोई दुनिया ही नहीं होने लगी। हमारे तो गरीब लोग हैं हम लोग। पट्टे मिलने के बाद भी अधिकारियों की सांठगांठ, कह सकते हैं कि दबंगों के द्वारा अधिकारी कर्मचारी की सांठगांठ से एक गरीब दलित परिवार का पट्टा भी निरस्त करवा दिया गया है। आखिर क्या कारण है? क्या दलित हमेशा शोषित ही रहेगा? भाजपा सरकार कहती है हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक गरीब दलित परिवार इतना मजबूर हो गया है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज उसका पट्टा भी शासन प्रशासन ने अपनी सांठगांठ करके उसका पट्टा भी निरस्त करवा दिया। आखिर क्या कारण है? क्या हमेशा दलित को अपना अधिकार नहीं मिलेगा? क्या वह हमेशा शोषित ही होता रहेगा या दबंगों के द्वारा इनकी गुलामी ही करता रहेगा? आखिर कब तक ये चीज़ें होती रहेगी? लेकिन सारी चीज़ें होने के बाद भी आज भी दलित परिवार परेशान है, बेहाल है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये लोग है आज भी दिलवास में पैर नहीं रखने दे रहा है। मैं अपना बाल बच्चा लेके नलखेड़ा में पड़ा हूँ, मेरे कम्मर से और जांघ से पग टूट गया है। मैं बहुत ही कमजोर होकर यहाँ पर पड़ा हूँ, मेरे कोई भी नहीं सुन रहा है। और वो दमक लोग है तो वो गरीब के भी इतने कोई है कि नहीं है? यानी पार्टी में कोई भी नहीं है कहीं? मेरे को सरकार ने पट्टा दिया था बेवजह से राजा साहब ने, तो उसका दंड भी नहीं है कोई भी। और कुछ कहना है? हाँ, कहना है नहीं अभी तो। जी बताएं। मैं जो बता रही हूँ आपके जी के वो लाखन सिंह पिता बालू सिंह जी और बालू सिंह पिता अंदर सिंह जी, हाँ जी, रिपिया में भारी है और ये है जाति राजपूत है। तो ये मुझे को डर ही रहा है कि तू कहाँ का अधिकार करने जाएगा, तेरी कहीं भी साबर नहीं आ गई, तू चुपचाप कर बैठ जा। अच्छा, तो मतलब सब करे सरकार बैठा बैठा तो सरकार नहीं होने तो मेरे को उत्तर दो तो मेरा नहीं दमक लोग को कहीं कहीं भी तो करो। ये कहेगा पैसे बहुत है, अधिकार मेरा है,
मैं वकील हूँ, मैं नेता भी हूँ, दादागिरी में भी हूँ और मेरा बाप रुपया वालों है। अच्छा ये बोल रहे हैं? ये बोल रहा है ये। बता रहे हैं कि वकील साहब जो है कह रहे हैं कि मैं दादा भी हूँ, पहलवान भी हूँ, तो क्या दलित व्यक्ति के लिए कोई न्याय नहीं है? क्या दलित व्यक्ति हमेशा न्याय के दर दर ठोकरे खाता रहेगा? इनके साथ कभी कोई न्याय नहीं होगा? अब देखते हैं शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इन दलितों के साथ न्याय होगा या ऐसे ही ये दर दर की ठोकरे खाते रहे। अच्छा, प्रकोष्ठ के आगर जिले के जिला अध्यक्ष से बात करते हैं कि क्या यही ऐसा ही होता रहेगा या इनके साथ न्याय भी होगा? दलित हमेशा ठोकरे ही खाता रहेगा या इनके लिए ये लोग क्या काम करते हैं, पूछते हैं सर। आप क्या हैं, आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं गौरी शंकर सूर्यवंशी, जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग जिला अध्यक्ष पद पर हूँ। आपके शासनकाल में ये लोग मतलब अभी ये लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, जैसे कि अभी इनके बालक प्रभुलाल जी मेरे पास घर पर आए थे, इन्होंने मुझे पूरी घटना से अवगत कराया है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैंने सीधे अधिकारियों से भी मैसेज के माध्यम से अवगत कराया है, नलखेड़ा TI से भी मैंने बात करी है, अधिकारियों से मेरी चर्चा चल रही है और मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने मुझे अनुसूचित जाति का इसलिए बनाया है कि हर गरीब वर्ग की लड़ाई, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की लड़ाई में जहाँ जहाँ भी इनको तकलीफ होगी मैं बीच मैदान में खड़ा रहूँगा, इनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, पूरी ताकत से लड़ूंगा। लेकिन उसके बाद भी परेशान हो रहे हैं, क्या कारण है? आप अजय मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और दबंग लोगों के द्वारा इनको इनकी ज़मीन से हटा दिया गया, इनको भगा दिया गया, इनके साथ मारपीट की गई है, इनका पट्टा अधिकारियों ने नेताओं ने मिलकर साठगांठ करके इनका पट्टा निरस्त करा दिया, अभी तक आपने इनके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया? ये जैसे मुझे जानकारी मिली है उसी दिन से मैं लगा हुआ हूँ। देखो, कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबों को देती आ रही है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के जो भी गरीब वर्ग है सभी को कांग्रेस सरकार देती आ रही है और दे रही है। सन 2001-2 में कांग्रेस के विधायक अपने राजा साहब मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, उस समय उन्होंने सारे गरीबों को पट्टे आवंटित किए थे और प्रत्येक गरीब को जमीन दी थी, जो आज कुछ गरीब को परेशानी आ रही है। एक तरफा राजपूत समाज से जो राजा दिग्विजय सिंह जी थे वो गरीबों को जमीन देने का कार्य कर रहे थे, आज यह जो घटना मैंने सुनी है ग्राम पिलवास की, यहाँ भी राजपूत समाज के दबंग व्यक्ति जो शायद वकील भी है और नेता भी है, वह यहाँ के जो गरीब वर्ग है अनुसूचित जाति के, उनके जो पट्टे की ज़मीन पे खुद का अधिकार जमा कर उनको वहाँ से बेदखल करना चाह रहा है। पर मैं जिला अध्यक्ष अजय प्रकोष्ठ का होने के नाते पूरी ताकत से लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो नेता हो, वकील हो, कैसा भी हो, दादा हो, तो उससे मैं लड़ाई लड़ूंगा और इनको इनका हक दिलाकर रहूंगा। हो गया।